वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? खैर। आपका नाम? बाजी खान। आपके वाले साहब का? दीन मोहम्मद। दीन मोहम्मद, ये हम किस इलाके में हैं, कहाँ पे हैं? ये जूसी जलाल खान, कोना रियाजी, जूसी जलाल खान, तहसील भाग, ज़िला कच्छी। ज़िला कच्छी। तो ये किसकी ज़मीन है? ये हमारा है। कहाँ से कहाँ तक आपका जो ज़मीन है? ये दरस का है ना। इधर से ये जो है IDSP से हैं हमारे साथ, जो है डॉक्टर कुरतुल्लाह जो IDSP से हैं, और इनको मदद करने वाले और भी इनके जो है दोस्त हैं, ठीक है जी, वो हमें मदद दे रहे हैं। हम इसलिए आपके पास आए हैं कि हम जो है आपको चना के 50 किलो के करीब जो है हम बीज देंगे। उसके अलावा इस ज़मीन को हमवार करने के लिए, इसको आबाद करने के लिए, काश्तकारी के लिए हम आपको 7 घंटे ट्रैक्टर है जी, उस सूरत में हम आपकी मदद करेंगे। मेहरबानी आपका। काफ़ी अच्छा है काम। 2 और 3 दिन का हाल इसको लगते हैं, 14-15 घंटा खाते हैं। कुछ आप अपने से कर लें, माशाल्लाह अल्लाह देंगे, क्योंकि बहुत लोग हैं। कितने अरसे में फसल तैयार होगा? ये 5-4 महीने। 4 महीने। कब इसकी कटाई होगी? मार्च में चना अभी जी जी। हाँ, तो जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी तो वहाँ पे भी चल के हम आपसे बात करेंगे कि हमारा प्रोग्राम ये है कि हम यहाँ पे जिस तरह लोग बैंक में पैसे रखते हैं जी जी, कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका जो है चने का जो बीज है उसका भी हम यहाँ पर आपके गांव का एक बीज का बैंक बनाएं जी जी, ठीक है? आप लोग बनाएं मिलके जी। तो आप जो 5 लोग होंगे, 6 होंगे, तो वो मिल के जो है एक बैंक बनाएंगे। जितना बीज अब आपको हम 50 किलो देंगे, फिर ये 50 किलो आप जो है वापस करेंगे, ताकि हम उस बैंक में रखें। देने वाले को तुमको अल्लाह अजर सवाब दे और आपकी मुश्किल आसान हो। अल्लाह हमारा मुश्किल आसान करे। इन लोगों का शुक्रिया, शुक्रिया आपका। महबूब अली। अच्छा, आपके वाले साहब का नाम? अलादीना। ये हम कौन सा इलाका है, कौन से एरिया में हम मौजूद हैं? ये इस टाइम हम लोग तहसील भाग यूसी जलाल खान गोठियान से। हमारे साथ जो है डॉक्टर साहब मौजूद हैं, ये IDSP से हैं, इनके साथ मज़ीद और लोग हैं जो मदद कर रहे हैं। हम यहाँ पे आपके साथ मिलके जो है आपको हम दे रहे हैं। आप क्या काश्त कर रहे हैं आप? इसमें चना करेंगे। चना काश्त करें, तो हम आपको 50 किलो जो है चना के देंगे और उसके बाद ट्रैक्टर के 7 घंटे देंगे, उसमें हम आपको मदद करेंगे। तो आप यहाँ पे जो है अपनी ज़मीन को सारा करेंगे, इसमें काश्तकारी करेंगे और इसमें जो है चना काश्त करेंगे, ठीक है? तो आगे चल के ये फसल आपका कितने अरसे में तैयार होगा? ये तकरीबन मार्च अप्रैल जी। उस टाइम जो है ये हम खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम सब मिलके जो है ये सारा प्रोसेस आपका देख रहे होंगे, ठीक है? कि आप जो है आपका पूरा अमल जो है फसल का। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक है। आप खैरियत से? थोड़ा सा अपना तारुफ करा दें। आपका नाम? फरीज अहमद। अच्छा, आपके वाले साहब का नाम? और इस इलाके का नाम बता दें, हम कहाँ पे मौजूद हैं? तहसील भाई यूसी जलाल खान। और ज़िला कौन सा है? ज़िला कच्छी। अच्छा, ज़िला कच्छी में। ये हम कहाँ पे खड़े हैं? ये हम अपने 5-6 एकड़ है, मेरा ज़मीन है। कहाँ से कहाँ पर? यहाँ से लेकर मेरा ज़मीन। ये हम आपकी ज़मीन पे खड़े हैं। यहाँ हमारे ज़मीन पे खड़े हैं। आपको तो यहाँ पे आप जो है क्या काश्त करना चाहेंगे? चना काश्त करेंगे। तो हम जो है हमारे साथ यहाँ पे IDSP से डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर कुरतुल्लाह, और इनके जो है कुछ और फ्रेंड हैं, दोस्त हैं जो हमें मदद दे रहे हैं। IDSP के? हाँ, IDSP के कुछ और दोस्त हैं जो हमें मदद कर रहे हैं कि हम जो है हमारे जो आप हारी हैं, किसान हैं, हम आपकी मदद करें और जो है हम आपको चने के बीज 50 किलो जो है चने के बीज और उसके अलावा 7 घंटे ट्रैक्टर के देंगे, ताकि आप इस पर हल लगा सकें, आप इसमें जो है चना काश्त कर सकें, ठीक है? ठीक ठाक है। नाम? अच्छा, था इलाका है मथाना मौजूद है जिला और अच्छा तहसील भाग और शहर नाम से रेहान। अच्छा, रेहान कई दफ़ा थाम है, काश्त करना था। चना काश्त करना। तो ये रास्ते के माता रास्ते के चना काश्त रास्ता मैं गोना फजिया IDSP से डॉक्टर कुरतुल्लाह डॉक्टर साहब, और इसी गोना IDSP दोमी मदद करने वाला संगत रास्ता हम मदद करना। मैं सारे रास्ते 50 किलो से चना है। मैं ज़्यादा तौफीक है मांग पर मदद करना है। और इसी के अलावा हफ्त घंटा से मांग ट्रैक्टर छोड़ देना है ताकि होती है दवा छोड़ काश्तकारी चने के बीज और जो है 7 घंटे जो है ट्रैक्टर की जो है हम आपको मदद देंगे। सही तो इसमें जो है हमारे साथ इदारा है IDSP जिसमें डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, ये हमें मदद करें और इनके साथ इनके और जो है दूसरे मदद करने वाले लोग हैं। जी हाँ, एक और दोस्त हैं इस्लामाबाद में हैं, पाकिस्तान में, पैसे वो लोग दे रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ आपके पास आए हैं बीच में, जैसे समझिए कि उनकी अमानत है तो आपको पहुँचा रहे हैं। सही, तो उनके लिए भी दुआ करिएगा और उनके पास अच्छी खबर जाए, आप लोगों की तरफ से इंसाफ की खबरें जाएँ ताकि आपकी अल्लाह और मदद करे। तो ये हमारा स्टाफ है, हम इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है सारा मुनहसर आपके है कि आप जो है इसको अगर कामयाब करते हैं तो मज़ीद हम 4 और किसानों को भी 4 और जो है हारियों को भी हम मदद करने के काबिल होंगे अगर आप इसको नेक नियति से आपके इसमें आप जो है ये आप जो है हल जो लगाया हुआ है तो उसमें आगे फिर क्या करेंगे, किस तरह आप काश्त करेंगे? अभी जो है नाली इसी को देंगे जो नाड़ी बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं कि तरीका ये है कि अब जो है पहले इन्होंने ज़मीन को हमवार करने के लिए जो है यहाँ पे हल लगाए। अब जो 10 दिन के लिए इसको छोड़ देंगे। और अच्छी बात ये है कि ये बड़े ही इससे बड़ी उम्मीद बनी है कि ये इस टाइप के आदमी नहीं है। क्या नाम बताया हजूर बख्श साहब जो हैं कि कोई देगा तो फिर मैं कुछ शुरू करूँगा, इन्होंने शुरू कर दिया। और इसका मतलब ये है कि हिम्मत के आदमी हैं और किसी के आश्रय पे नहीं बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इस वजह से हमें यकीन है कि ऐसे लोग जो हैं वो बहुत अच्छा मैं सिर्फ ज़ेबा आपको बता रही हूँ कि ऐसे लोग जो हैं ये बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे क्योंकि ये हमारे आपके सहारे से नहीं बैठे, ये खुद ही शुरू हो गए। ये ज़बरदस्त।